स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं यहां पर। और साथियों, हम सीख रहे हैं चेस खेलना, यानी वी आर लर्निंग हाउ टू प्ले चेस। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कराया था चेस का, चेस बोर्ड का एंड इसके जो मोहरे होते हैं उनका। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक बार थोड़ा सा लेट्स हैव ए रिकैप, यानी हमें ना वो बताया कि देर आर 64 स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं और आउट ऑफ 64 देर आर 32 ब्लैक स्क्वायर्स एंड 32 वाइट स्क्वायर्स, यानी जो 64 खाने हैं उनमें से 32 आपके ब्लैक स्क्वायर होते हैं और 32 ही ये वाइट वाले स्क्वायर होते हैं। एंड इन ईच आर्मी देर आर 8 मोहरेज, यानी 8-8 मोहरे होते हैं प्रत्येक आर्मी में। एक वाइट कलर की आर्मी है, एक ब्लैक कलर की आर्मी है। और ये जो 16 जो मोहरे हैं उनमें से 8 जो मोहरे हैं वो पॉन्स होते हैं जो सामने, इनको हम पैदल सेना भी कहते हैं। दोनों ही आर्मीज में आपको दिख रही है ये सामने पैदल सेना है और इनको हम पॉन्स कहते हैं इंग्लिश में। और इसके पीछे, ये इसके जो पीछे बैठे हुए हैं, ये सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं। जैसे ये हाथी है और इसका स्थान यहाँ पीछे दोनों कॉर्नर में होता है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूख। और इसके जस्ट बिसाइड में ये बैठे हुए हैं दोनों नाइट्स और इनको हम घोड़े कहते हैं। दोनों तरफ ही इस तरह ये दो नाइट्स हैं। और फिर हैं आपके ये बिशप्स हैं, ये ऊंट है और यहाँ पर इनकी पोजिशन होती है चेस बोर्ड में। और उसके बाद में फिर ये है आपका जिसको हम क्वीन कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं वजीर या सेनापति, यानी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, कमांडिंग ऑफिसर। और ये राजा है, किंग है। और एक चीज़ ये कि जब भी आप चेस बोर्ड को अपने सामने रखें तो ये ध्यान रखें कि क्या आपने सही रखा है कि नहीं रखा है उसे। तो उसकी पोजिशन ये होनी चाहिए कि जो आपका राइट हैंड है उस राइट हैंड पे वाइट वाला इसका स्क्वायर होना चाहिए। यदि राइट हैंड को मैच करता है वाइट स्क्वायर, जैसे ये वाइट स्क्वायर है और ये मेरा राइट हैंड है, तो इसका मतलब है चेस बोर्ड बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है। एक ये भी चीज़ नोट करें कि जिस कलर के मोहरे आपके पास है, जैसे ये मेरे इधर ये ब्लैक वाले मोहरे हैं, इधर ये वाइट वाले हैं, तो ब्लैक वाला मोहरा का जो ये क्वीन है, ये क्वीन यानी सेनापति जो है, यानी जो वजीर है, यदि ये ब्लैक है तो ब्लैक वाले स्क्वायर में इसको रखना पड़ेगा। और ये वाइट वाला वजीर है तो ये देखिए आप वाइट में रखा हुआ है। तो ये कुछ पोजिशंस हैं इनकी रखने की और इस तरीके से हम जमाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ देसी शतरंज के बारे में भी और इंटरनेशनल चेस के बारे में भी, यानी दोनों में थोड़ी मामूली मार्जिनल थोड़ा सा अंतर है, वो भी हम पॉइंट आउट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉन्स की। ये पॉन है और जिसको हम पैदल कहते हैं, इसकी चाल की हम बात करें तो इंटरनेशनल चेस में ये एक साथ दो घर चल सकती है एक बार में, यानी अपनी लाइफ में ये एक बार में दो घर चल सकती है, जबकि देसी शतरंज में सिर्फ एक एक ही घर आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी चीज़ पॉन की ये है कि ये जब एक बार आगे बढ़ जाती तो पीछे नहीं आती, ये ऐसे नहीं कि साहब विड्रॉ कर जाए पीछे को, ये रिट्रीट नहीं करती, हमेशा एडवांस होती है। इट नेवर रिट्रीट, इट ऑलवेज फॉरवर्ड, ऑलवेज चलती है आगे, यानी कभी भी पीछे नहीं आती, यानी एडवांस ही होती है, रिट्रीट नहीं होती। और ये हमेशा तिरछी मारती है, तिरछी, जैसे ये यहाँ है तो ये इसके सामने वाले मोहरे को नहीं मारेगी बल्कि साइड वाले को मारेगी, यानी चलेगी सीधी एक एक घर लेकिन मारेगी तिरछी। जैसे ये यहाँ रखी हुई है, मान लीजिए ये कोई यहाँ है पॉन दूसरी, तो ये इसकी चाल तो ऐसे है लेकिन इसके सामने ये रेंज में ही आ गया तो इसको ये मार देगी। तो इस तरह हमेशा इसका ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और पॉन की, पॉन जब भी अपने अंतिम घर में पहुंच जाती है, जैसे ये चलती चलती ये अंतिम घर में पहुंच गई, तो आपको मालूम है ये घर किसका है, ये घर है ये जो जिसको हम हाथी कहते हैं, तो हाथी का घर है, तो ये हाथी बन जाएगी, ब्लैक कलर की है तो ब्लैक कलर का हाथी बन जाएगा यदि मर गया है पहले, तो नहीं मरा है तो नहीं बनेगी, है ना। और इसके अलावा इंटरनेशनल में क्या होता है कि जब भी कोई पॉन अंतिम घर में पहुंच जाती है तो हमेशा ही वजीर बनती है, चाहे वो घोड़े के घर में पहुंचे, चाहे ऊंट के घर में पहुंचे,
चाहे वजीर के घर में पहुंचे चाहे राजा के घर में पहुंचे, हमेशा क्या बनती है, हमेशा वजीर बनती है। तो ये तो होगी पॉन्स की चाल। अब हम बात करेंगे रूप की, हाथी की चाल। हाथी हमेशा सीधा चलता है, सीधा बिल्कुल ऐसे, और ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, यानी इसके पास सारी शक्तियां हैं, यानी ये रिट्रीट भी कर सकता है, एडवांस भी कर सकता है, और अगल बगल में भी जा सकता है, जैसे इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, लेकिन चलेगा सीधा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, आगे पीछे हो सकता है, एक घर भी चल सकता है, आर पार अक्रॉस द बोर्ड भी जा सकता है, सामने जो भी आएगा उसको ये मार देगा। ये घोड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण चाल है इसकी नाइट की। नाइट जिस घर में बैठा होता है, जैसे ये वाइट घर में बैठा हुआ है, तो इसके इसके चारों ओर अराउंड जितने भी ब्लैक खाने हैं ढाई घर में, यानी ये ढाई घर चलता है, और ढाई घर में जितने भी ब्लैक खाने हैं वहाँ इसकी मार होती है, यानी आठ घर तक इसकी मार होती है। जैसे वाइट में है तो इसके चारों तरफ आठ जो ब्लैक स्क्वायर है वहाँ ये किसी भी विपक्षी के मोरों को मार सकता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ये यहाँ से इस इधर हम देखें तो एक दो ढाई, एक दो ढाई, इसी तरह यहाँ से देखेंगे तो एक दो ढाई, एक दो ढाई, इसी तरह इधर देखेंगे तो एक दो ढाई और एक दो ढाई, इधर देखेंगे तो एक दो ढाई, एक दो ढाई। कहने का मतलब ये आठ जो ब्लैक स्क्वायर है इसके चारों ओर, ये इनमें अपनी इसकी रेंज होती है, मारक क्षमता होती है, यानी बहुत बड़ी मिसाइल है, चारों तरफ चलती है ये, आठ तरफ आठ साइडों में इसकी रेंज होती है मारने की। और ये है आपका बिशप। बिशप की सबसे बड़ी बात यह है कि बिशप जो है हमेशा तिरछा चलता है, जिस घर का होता है यानी जिस खाने का होता है, जैसे वाइट कलर का इसका घर है तो ये वाइट में ही चलेगा हमेशा, एक घर भी चल सकता है, दो घर भी चल सकता है, आर पार जहाँ भी जगह मिलेगी ये चल सकता है, आर पार जो भी सामने आएगा उसको ये लुटकाता भी चलता है। ये देखिए इस तरह, ये इसके पास भी वो सारी चीज़ें हैं, यानी ये एडवांस भी हो सकता है, रिट्रीट भी हो सकता है, यानी ये नहीं कि साहब एक बार एडवांस हो गया तो रिट्रीट नहीं होगा, मतलब एक बार आगे बढ़ गया तो पीछे भी हट सकता है, तो आगे पीछे चल सकता है लेकिन चलेगा हमेशा तिरछा इस तरह। और अब हम बात करेंगे, ये सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल मोहरा होता है चेस का, और इसे हम क्वीन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वजीर। तो ये जो वजीर महोदय है इसके पास बिशप की भी शक्तियां हैं और रूक की भी शक्तियां हैं, दोनों चाल इसके अंदर होती है। यानी जैसे कि आपने देखा कि बिशप तिरछा चलता है तो ये तिरछा भी चल सकता है, जैसे हमने देखा कि रूक सीधा चलता है तो ये सीधा भी चल सकता है। कहने का मतलब ये कैसे भी एडवांस भी करेगा, रिट्रीट भी होगा, और आगे पीछे भी हो सकता है, किसी भी खाने में कैसे भी कभी भी जा सकता है आगे पीछे ऐसे, लेकिन ये घोड़े की चाल नहीं चल सकता है, ढाई घर नहीं चल सकता ऐसे 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 नहीं चल सकता। हाँ, ये बिशप यानी ऊंट की तरह चल सकता है और हाथी की तरह भी चल सकता है, सबसे महत्वपूर्ण मोहरा माना जाता है, सबसे शक्तिशाली। और शक्ति की जहां तक बात करें तो सबसे शक्तिशाली जो है पावरफुल जो मोहरा होता है वो वजीर, और उसके बाद में हाथी को हम सेकंड पोजीशन दे सकते हैं, और थर्ड पोजीशन पे हम बात करेंगे तो वो आता है आपका नाइट, और उसके बाद में और ये जो बिशप है वो थर्ड पोजीशन पे हम इसको रखते हैं ताकत के मामले में। और ये जो पॉन्स हैं, पॉन्स की तो असीमित शक्तियाँ आपने देख ही ली, क्योंकि ये पैदल सेना है, शहीद हो जाएगी, मर जाएगी, कट जाएगी, लेकिन पीछे नहीं आएगी। ये है आपका किंग, और ये किंग की सारी लड़ाई है, यानी किंग की सारी सेना है, इसी के आदेश पे सारे काम होते हैं, और इसी की रक्षा के लिए सारे के सारे जो मोहरे हैं वो अपना जीवन शहीद कर हो जाते हैं, अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। और किंग महोदय की चाल की बात ये है कि जब तक इसको चेक नहीं लगती तब तक ये अपने जीवन में कभी भी एक बार ढाई घर चल सकता है, घोड़े की चाल चल सकता है एक बार, बशर्ते कि इसको कभी चेक नहीं लगी हो। चेक लगने के बाद में फिर ये कभी भी ढाई घर की चाल नहीं चलता, सिर्फ एक एक ही चाल चलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये
एक ही घर चलेगा, लेकिन एक घर में भी एक ही कहीं भी चल सकता है, यानी सीधा भी चल सकता है, तिरछा भी चल सकता है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, यानी आगे पीछे कहीं भी ये चल सकता है, लेकिन चलेगा एक ही घर। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि आपको एक फिजिकल गेम खेल के बताऊँ मैं, तो उसके लिए चाहिए मुझे एक और अपोनेंट सामने बैठने वाला, तो उसकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ और मैं एक लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, एक पूरी तरह से फिजिकल एक गेम चेस का। तो अगले वीडियो में मैं व्यवस्था करूँगा आपको, जब तक इंतजार करें आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।